गाइस, वेलकम टू द क्लास। एंड इन दिस सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कई टाइप के होते हैं, जिनमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड दे आर द वेरी स्पेशल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड वॉज डिस्कवर बाय साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लायन इन फ्रांस इन 19th century, राइट। So these are very special compound, and this type of compound is denoted by the RMGX. So RMGX compound की specialty होती है कि जब भी ये किसी भी reaction में participate करते हैं तो इनके बीच में R और Mg यानी कि carbon और magnesium के बीच में यहाँ पे जो bond होता है ये हाइड्रोलिटिक टाइप से बॉन्ड फ्यूजन करता है, और बॉन्ड फ्यूजन करके ये हमें आर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है और एम जी एक्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द ओनली कंपाउंड जो कि हमें कार्बेनाइन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ही आसानी से ये कार्बेनाइन प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो वहां पे एक्टिव साइट्स होती हैं वहां पे अटैक करके कार्बन चेन का प्रोपेगेशन करते हैं। हम यहाँ पे इनकी एक्शन को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास कोई एक एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेते हैं R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया हुआ है। अब अगर हम इसकी रिएक्शन यहाँ पे RMGX के साथ कराते हैं, और RMGX क्या होता है, एक यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, तो इसके साथ रिएक्शन कराने पर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ एक सेकेंडरी एल्कोहल इस तरह से मिलेगा, इस तरह से। एंड दे बोथ आर विल बी सेम और डिफरेंट टू ईच अदर, एंड जो साइड कंपाउंड यहाँ पर रहेगा दैट विल बी द एम जी ओ एच बी आर। यानी कि जब भी आप किसी भी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यहाँ करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे देखने को मिलेगा, और साइड कंपाउंड जो होगा वो एम जी ओ एच बी आर यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड या फिर यहाँ पे हैलाइड जो है वो मिल जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म को यहाँ समझेंगे कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे अपना कार्बोनिल ग्रुप जो है वो यहाँ पे ले लिया है, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप एंड दिस इज द हाइड्रोजन एटम। अब जैसा कि हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्शन करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है कार्बेनाइन यानी कि यहाँ पे R और यहाँ पे नेगेटिव, और कार्बेनाइन है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक्टिव साइट यानी कि कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसको वहां पे अटैक करती है। तो जैसे ही यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन का जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बोनिल यहाँ पे ग्रुप पे जैसे कार्बन को अटैक करेगा, एंड वी नो दैट कि कार्बन पार्शली जो है पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और ऑक्सीजन जो है पार्शली नेगेटिव चार्ज कंटेन करती है। अब कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो सपोज अगर ये पाई बॉन्ड है एंड पाई बॉन्ड बार वीकर बॉन्ड, तो क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगी तो जो वीकर पाई बॉन्ड होगा इट विल बी ब्रेक डाउन एंड ट्रांसफर टू द ऑक्सीजन एटम, और वो ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन ने ये वाला जो आर यानी कि जो अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा C एंड यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर आ जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे कार्बन से एक यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप अटैच है, और अभी हाल ही में हमने किसको अटैच किया है, एक और अल्काइल ग्रुप को अटैच किया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इस तरह से R यहाँ पे शो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये कंपाउंड जो बना हुआ है इस कंपाउंड का हम करेंगे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस, लेकिन हाइड्रोलाइसिस से पहले हम देखेंगे कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट था भाई इसका रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा, MgX पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है MgX पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे MgX जो है जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है वो इस ऑक्सीजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के उसके साथ वहां पे अटैच होकर के एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, O और यहाँ पे Mg और यहाँ पे X आ जाएगा, और यहाँ पे कार्बन है कंटेनिंग 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप।
अब क्या होगा, यहाँ पे ये कंपाउंड बनने के बाद हम इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने के लिए किसके साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम क्या करेगा, एसिडिक मीडियम वाटर का यहाँ पे क्या करेगा, आयनाइजेशन करेगा। और वाटर का जब आयनाइजेशन होगा तो हमें पता है कि वहां पे दो फाइल मिलने वाली है, एक एच पॉजिटिव और दूसरी हमें मिलेगी यहाँ पे OH नेगेटिव। अब जैसे कि पता है कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे पॉजिटिव जो पार्ट जो अटैच है वो क्या है, MgX है। और जब इस कंपाउंड का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि H, वो तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, MgX के साथ। तो फाइनली हमें जो कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ अभी हमने हाल ही में पॉजिटिव पार्ट अटैच किया है वो कौन है, एच है। यहाँ पे कार्बन है जिसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कार्बन से टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। और यहाँ पे जो साइड कंपाउंड अभी जो यहाँ पे निकला है दैट इज द Mg एंड OH और यहाँ पे X। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इज द 2 डिग्री ऑफ एल्कोहल। ये यहाँ पे जो हमें मिला हुआ है दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरह से इस मैकेनिज्म के द्वारा हम ग्रिग्नार्ड रीजन से जो है एल्डिहाइड से हम एल्कोहल बना सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन जो है वो एल्डिहाइड को एल्कोहल में रिड्यूस कर देते हैं। अब अगर हम इसका कोई एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे सीखेंगे, तो वो एग्जाम्पल क्या होगा, लाइक हमने सपोज एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लिया। एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्या होता है, CH3CHO, ठीक है। तो यहाँ पे CH3CHO हमने एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया हुआ है। अब इसकी रिएक्शन हम कराने वाले हैं किसके साथ, हम कराने वाले हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन होती है, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है वो फीज होगा, और बॉन्ड फीज होकर के यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 फाइल, जो कि किसके साथ अटैच हो जाएगी, कार्बन के साथ अटैच होगी। और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे एक साथ ही, यहाँ पे रिएक्शन को दिखाते हैं। व्हेनेवर दिस एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विच इज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस इन द एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा कि CH3 तो कार्बन से अटैच होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप एक साथ यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच होंगे, एंड जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है ये एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। मतलब आपको इस तरह से आइसोप्रोपेनॉल यहाँ मिलेगा, और साइड कंपाउंड जो यहाँ पे रहेगा दैट इज द MgOHBr यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड। अब इसकी मैकेनिज्म की अगर हम यहाँ बात करेंगे कि मैकेनिज्म जो है वो कैसे प्रोसीड होगी, लाइक इस तरह से हमारे पास ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें एक नेगेटिव फाइल यानी कि न्यूक्लियो फाइल मिलने वाली है जिसका नाम क्या होगा, मिथाइल कार्बेनाइन होगा, एंड दिस मिथाइल कार्बेनाइन विल अटैक टू द एक्टिव साइट दैट मीन्स कार्बोनाइल ग्रुप, जिससे क्या होगा कि वीक पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के कहाँ पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा, हाँ यहाँ पे मिलेगा ऑक्सीजन विद ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग द नेगेटिव चार्ज अटैच टू द कार्बन, एंड कार्बन के पास ये वाला जो हाइड्रोजन उसे हमने यहाँ पे दिखा दिया, और हाल ही में ये मिथाइल ग्रुप कार्बन से यहाँ पे अटैच हुआ है, तो इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ दिखा देंगे, और एक मिथाइल ऑलरेडी हमारे पास कार्बन के पास है उसे यहाँ दिखा देंगे। अब क्या करेंगे, जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो रिमेनिंग पार्ट था यानी कि MgBr, वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके साथ वहां पे अटैच हो जाएगा, और वहां पे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक OMgBr, एंड दिस इज द कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड टू मिथाइल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम। नाउ आफ्टर द फॉर्मिंग दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, एंड हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द एसिडिक मीडियम। सो इन एसिडिक मीडियम दिस एसिड विल आयनाइज टू द वॉटर मॉलिक्यूल एंड द एच प्लस एंड ओ एच नेगेटिव आयन विल बी गेट, सो द एच प्लस आयन विल रिप्लेस दिस MgBr पॉजिटिव रीजन एंड द रिमेनिंग द OH पार्ट विल बी अटैच टू दिस पॉजिटिव रीजन। सो फाइनली क्या होगा कि यहाँ पे वाटर से मिला हुआ H प्लस आयन उस पॉजिटिव रीजन को रिप्लेस करेगा, पॉजिटिव प्लेस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा।
और यहाँ पे क्या है CH है, और यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे CH3। और साइड कंपाउंड जो हमें यहाँ मिलेगा वो कौन सा कंपाउंड होगा, साइड कंपाउंड हमारे पास होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल एंड यहाँ पे ब्रोमाइड। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड मिला था, वैसे यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड होगा। और ये एक 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल है, इसका नाम क्या है, दिस इज द आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। इसी तरह से हम किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन का हम हाइड्रोलाइसिस करके एल्डिहाइड को और कीटोन्स को हम जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आपके लिए है कि आप क्या करेंगे, एक कीटोन का एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, जैसे एसीटोन और एसीटोन